टिप्स नंबर वन, सेफ एरिया। तो भाई लोगों, आपको लैंडिंग करते वक्त आपके पास स्कैन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोलो खेल रहे हो, आपके पास स्कैन बहुत ज़रूरी है। आपको लैंडिंग करनी है सबसे या तो राइट में या लेफ्ट में, सबसे लास्ट में करनी है, ताकि तब आप अच्छे से लूट कर सको, आपके पास फाइट ना लेना पड़े आपको। आपके बगल में दो एक आध दो बंदे आएंगे, लेकिन आपको उनको छेड़ना भी नहीं है। अगर उन्हें तो मतलब उनको पता चल जाता है आपके बारे में, तो तुम उसको मार सकते हो इजीली। एक दो बंदे को तो मार ही सकते हो यार, अगर वो तुम्हारे साथ आए तो। देखो मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन कोई नहीं आया इधर। अब मैं आराम से लूट कर सकता हूँ, बहुत इजीली लूट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। सबसे पहले आपको लूट करनी है अच्छी सी, आपको अपनी फेवरेट गन लेनी है, और आपको अच्छे से रहना, अच्छे से चारों तरफ देखते हुए। और भाई साहब, अपनी मनपसंद गन तो अपने साथ ही लूट कर लेके आए, क्योंकि आपके पास अपनी गन होगी, आप तभी फाइट ले सकते हो अच्छी और बुरिया मार सकते हो। टिप्स नंबर टू है कार। तो भाई साहब, जब आप सेफ जोन के अंदर जाना हो आपको, तो आपको कार की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बिना कार के जाओगे तो भाई साहब आपको डैमेज पड़ सकता है, क्योंकि रैंक पुश करने के लिए बहुत सारे बंदे छुपे हुए रहते हैं ना, इसलिए आपको कार की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप जाओगे कार लेके, तो कोई बंदा छुपा हुआ जो वो आपको डैमेज मारेगा, तो कार को डैमेज पड़ेगी, आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। और सेफ जोन के बीचों बीच अंदर चला जाना है, कि ऐसी जगह परमानेंट कवर ढूंढना आपको। परमानेंट कवर के अंदर आ जाना तुम्हें। और भाई साहब, जैसे हम दो मेडकिट निकाल दिया हमने, तो हम इधर लैंडमाइन रख देते हैं इनके बीच में, ताकि किसी को पता ना चले। वो भी हरे होते हैं, लैंडमाइन भी हरी होती है। अब कोई बंदा आएगा तो इजीली उसे पता नहीं होगा इधर बंदा है, और उसने लैंडमाइन बिछा रखा है, तो लैंडमाइन से फट जाएगा। बाकी डैमेज तो तुम मार ही सकते हो इजीली, किल कर दोगे आप। सर्वाइविंग करनी है आपको भाई साहब, मतलब सेफ जोन के अंदर तो रहना ही रहना है आपको। और भाई लोगों, टिप्स नंबर फोर है सेफ जोन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब देखो, अब सेफ जोन हमारे सर के ऊपर आ चुका है, तो मैं सेफ जोन के अंदर हूँ, और बंदे सेफ जोन के अंदर आएंगे। देखो, एक किल कर दिया। और अब चारों तरफ से देखो कि बंदे आएंगे, तुम सेफ जोन के अंदर हो, तुम्हें तो इधर से जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लैंडमाइन नीचे रख रखा है तुमने, और सेफ जोन के अंदर हो। अब बंदे आएंगे, तुम इजीली किल कर सकते हो। देखो बंदा आएगा, आप बहुत ही इजीली किल कर सकते हो इधर से ही। आपको परमानेंट कवर है आपके पास, और आप सेफ जोन के अंदर हो, कहीं से भी बंदा आए आप तो किल कर सकते हो। टिप्स नंबर फाइव, लास्ट जोन फाइट। तो भाई साहब, ये भूया करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने और देखें। हमें सेफ जोन के सबसे पहले तो सेफ जोन के अंदर जाना है, और सेफ जोन के अंदर जाने से हमें फाइट तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। और हमें एक बंदा दिखा वहाँ पे, और उसको किल मिल सकता है क्या? किल
भाई साहब किल कर दिया। तो भाई लोगों आप फिर इधर छुप जाते हम, क्योंकि अभी दो बंदे और रह रहे हैं। अगर हम खुले में जाएंगे तो बंदे इजीली मार सकते हैं दोनों को, हमारी ऊपर ध्यान आ जाएगा, दोनों मार सकते हैं। हमें ऐसी जगह लेना है उन दोनों की फाइट हो। हम इधर बैठे, वो एक पीछे बंदा दिख गया मुझे। अब हम मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मुझे बुइया करना है। अगर मैंने इससे फाइट ली तो तीसरा बंदा आके हमें मार देगा, क्योंकि हमारी डैमेज हुए बंदे को इजीली वो तीसरा बंदा मार सकता है। देखो उसको मेरी पोजीशन नहीं पता, लेकिन मैं उसे इजीली किल कर दूंगा। देखो गाइज कर दिया उसे इजीली किल। अब होगी 1v1, अब हम इजीली किल कर सकते हैं। अब आपको एक परमानेंट कवर चाहिए, परमानेंट कवर चाहिए। जैसे कि मैं इधर बैठा हूँ, अब मैं उसको देख रहा हूँ कि लास्ट बंदा किधर है। तो भाई लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिस्की एसपी गेमर, लाइक शेयर कमेंट जरूर। ओ भाई साहब हमें पता चल गया वो बंदा, उसकी लोकेशन हमें दिख चुकी है। अब हम उसे इजीली किल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग भाई।